आइस क्यूब चाहिए आइस क्यूब सिटू पानी कहोगे तो पानी सिटू बारी आ चीज़ में दब के जिवें आप वाटर कूलर होंगे ना दबे तो निकलता थोड़ा खोल के दिखा भी 1,07,000 के बिच की है वो दिता जाता है भांडे ये किन्ने की है बापू ये सिस्टम जहाँ 9,000 का है। हाँ भी दोस्तों तुसीं जिहड़े कांजले कोठी है वो जिहड़ा आलीशान घर है वो बाहरों तो देखियो पर अंदरलियां जिहड़ियां उहदियां खूबियां ने किस तरीके नाल बणिया वो तुहानूं दिखाउने आ। मेन पार्ट घर दा रसोई हुंदा रसोई ते किन्ना पैसा लग्गिया वो दिखाउने आ। आ जाओ बापू जी तो तुसीं जानदे हो सब तो वड्डी गल फ्रिज फ्रिज किन्ना का हुंदा कोई 15,000 का हुंदा कोई 20,000 का तुसीं सोच नहीं सकदे फ्रिज किन्ने दा होऊगा। बापू जी किन्ने दा मैंने दस्सियो फ्रिज किन्ने दा 1,07,000 का 1,07,000 का। ये खूबी एक तो यह है कि यह अद्धे घंटे के बीच बर्फ ही बर्फ कर देता जे तुसीं लावोगे यदा फंक्शन ये बिच दिखा दो माड़ा जहा इत सिस्टम दिता हों जिमें पानी नॉर्मल पा के कला आइस क्यूब पाना इतें कर लियो जिदा भी जी आइस क्यूब चाहिए आइस क्यूब सिटू पानी कहोगे तो पानी सिटू बारी आ चीज़ में दब के जिमें आप वाटर कूलर हों ना दबे तो निकलता थोड़ा खोल के दिखा भी 1,07,000 के बिच की आ। लो भी दोस्त देखो ये चीज़ है जी चो आइस क्यूब सिटदा ये पानी वाला बॉक्स है जिदे पानी हों समान रखन एक ना फ्रिज के बिच ये कहते हैं फ्रिज वाले कि भी कोई भी चीज़ रखनी ढक के रखो कि वह मिश्रण जोड़ा उस मिले ना सारे भी आप रख दें आटा गुन बच जाता वो रख दें यही चीज़ा ना रखा करो जो रखना भी है तो उन्होंने बंद करके रखो। ये देखो सारिया चीज़ा रखी ने फल सब्जियां कैबिन अलग तो दिंदी है कंपनी फ्रिज वाली भी कोई भी चीज़ रखनी तो खुली ना रखो तो यदि खासियत इन्नी है कि आपदे आप कंट्रोल करता सारा तो जो ये अंदर कूलिंग पूरी हो जाती है तो यह जी बिजली है वह घट कर देंगे ये फ्रिज है कला बाकी थोनू चीज़ा दिखाने हूँ ये ये बनया अपन पता नहीं होना भी की चीज़ है ये बनाया है समान रखने स्पैशल आटोमैटिक जो गेट खोलते हैं तो बाहर आ जाती है चीज़ चक्कन जो बंद कर दें तो अंदर चला जाता जे आ चीज़ हैगी घुमा दिखा मैं थोनू समान रखन भी बंदे सामने वालू पता ही ना लगे भी किन्ना क समान पिया रसोई दे विच ते होर भी खूबियां मैं दिखाउना जिवें आ समान रखन नू चलो बन जांदा हुंदा सारा कुछ ते ए तो बाद आपां जिवें आ गैस चुल्हा आ गया परौंठे बनाउंदे आ जिहड़ी भाफ जी हुंदी है इह सिस्टम लवाया सारा आपदे आप फैलण नहीं दिंदा खिचदा हवा वांगू ये सारा बाहर मारदा कढ के होरां दी बनाई हुंदी आ थल्लों। बापू टोटल रसोई ते किन्ना क खर्च आ गया थोड़ा इहदा पता ही नहीं किन्ना आ गया पता ही नहीं है लखां दे हिसाब ते आ गया इहदा बस ही मतलब सारी चीज फट के बाहर आ जाती है ते इहदे नाल जिहड़े आ चीजां ने इह भी बाहर आउंदियां ने जिवें इहनूं कढ के इधर करता उह भी नाल दी नाल बाहर आ जांदियां टूटी देखो भांडे तो स्पेशल टूटी आ ए बापू चलायो मड़ा किवें चलदी आ जे चलदा ओ परले पैटू चलदी आ। अच्छा इहनू पहला मार के पानी नाल धो दित्ता जांदा है भांडे ए किन्ने दी है बापू ए सिस्टम जा ए 9,000 दी है ए कल्ला ही 9,000 दा टूटी आ कल्ली आपां तां 2,250 वाली लाउने आ पिंड दे विच ये 9,000 की गली टूटी है कहण का मतलब यह है कि रसोई ते इन्ना का खर्चा होया कि आम नॉर्मल घर का पूरा परिवार का पूरा घर खड़ा हो जूगा 1,07,000 का यह सिस्टम है सारी रसोई ते तकरीबन घट्टो घट 25-30 लाख रुपया लग गया ये वो सिस्टम है जिहड़ा सारी बापू आ किन्ने दा आया होगा हाँ सारा सिस्टम जा सारा विच ही बाकी सारा पता दे विच ही है यार आप पता करे कल्ले दा ता लाया नहीं कल्ला नहीं लाया सौका बुका ही है सारा प्रोजेक्ट पूरे हो जवा इकट्ठे ही आउंदा रहे ठीक है ठीक है ठीक है मैनूं लगदा है भी जिवें तुसीं दस रहे हो भी 30-35 लाख रुपया लग गया कल्ली रसोई रसोई ते हाँ लग गया देखो भी बहुत है ना बनाउंदे आ रसोई पूरी मतलब रीझ नाल बनाई हुई है सारी चीज़ है पूरी घेंट बनी हुई है ये भी है समान रखने बनया हो रसोईया तो देख दी हो
ਇਹੀ ਜੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਰਸੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੜਦੇ ਬਾਪੂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਤਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਬਾਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਕੀ ਬੀਤ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੇੜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਭਲਵਾਨੀ ਅਸਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਹੈ ਇੱਕ ਗੇਟ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਆ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਰਸੋਈ ਦਾ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ।